अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बासी चावल से आइटम। तो इससे मैं जो बनाऊंगी उसे आप स्टोर करके एक महीने के लिए भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे ताजे चावल से भी बना सकते हैं। तो ये रात का बचा हुआ चावल है। चावल मैंने लिया है, ये कम से कम एक कप से ज़्यादा चावल है। तो चावल को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करेंगे। हमें जैसा पेस्ट तैयार करना है, बस ना एकदम पतला होना चाहिए ना ही एकदम गाढ़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसे ना ही मोटा रखना है और ना ही बारीक। तो अब देखिए, मैंने पेस्ट बना तैयार कर लिया। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो इसका पेस्ट बनाने में मुझे आधा कप पानी इसमें लगा है। तो आप अपने हिसाब से पानी कम ही डालें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हमें फिर बनाने में दिक्कत होगी। अब इसे एक अलग प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। और इसमें निकालने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ये मैंने कम से कम आधे चम्मच के करीब लिया हुआ है। और इसी में डाल देंगे कलौंजी। कलौंजी जो कि हम मंगरेल भी इसको बोलते हैं, इसे भी आधा चम्मच से कम ही ऐड करेंगे। और इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे फूड कलर, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप फूड कलर इसमें डालेंगे तो इसका कलर काफ़ी अच्छा खिल के आता है। तो आप चाहें तो इसे बना के स्टोर करके एक या दो महीने के लिए रख सकते हैं, और सुबह में चाय के साथ या शाम में चाय या नाश्ते के साथ आप इसे ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है। और अब देखिए, मैंने ये पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस काफ़ी गाढ़ी है, एकदम पतला नहीं है ना ही एकदम गाढ़ा है। तो हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। तो अब इसके लिए मैंने लिया है एक पॉलीथीन। आप कोई भी थैली वगैरह ले लें, जिससे कि ये जो मैं पापड़ बना रही हूँ, ये पापड़ इस पर डालने के बाद आसानी से छूट जाएँ। तो मैंने इसे एक आटे की गोनी ली है और इसको मैंने तीन तरफ से इसका कट लगा दिया है। और इस पर डालेंगे तेल। तेल हम थोड़ा सा डालेंगे बस, ज़्यादा कि ताकि ये जो बैटर इस पर चिपके ना। और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ हाथ से लगा देंगे, ताकि इसमें कहीं भी ऐसी जगह ना रहे जहाँ पे तेल ना लगे। अगर तेल नहीं लगेगा तो बाद में जो मैं पापड़ बनाऊँगी वो उसी पर चिपक जाएगा। तो अब इसके लिए लेंगे एक पतली सी थैली, ये जो प्लास्टिक है। अब इसमें हम यहाँ से एक छोटा सा कट लगा देंगे कोने के साइड में, और इसे भी मैंने कट लगा के छोटा सा कर लिया है। और इसमें एक साइड इसमें बैटर को डालेंगे। आप चाहें तो इसमें जो केक वगैरह बनाते हैं उसका कोन भी ले सकते हैं। तो इसके बीच सेंटर में एकदम हम बैटर को डाल लेंगे। और थैली थोड़ी मोटी ही लें, ताकि ये बाद में दबाने के बाद फटने का डर रहेगा। तो अब देखिए, मैंने इसमें बैटर को भर लिया है। और आप इसका जो कोन है वो आप पतला या मोटा काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी मोटाई कितनी रखी हुई है। और अब हम इसे हल्के हाथों से दबाएंगे, और आप चाहें इस पे कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, चौड़ी गोली या कोई भी आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे गोल गोल इसका शेप दे रही हूँ, ये देखने में भी अच्छा लगता है। और ये जब बन के तैयार होगा तो प्लेट में जो भुनने के बाद ये रखते हैं तो उस पे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसी तरह मैं गोल गोल जितने भी हैं सब बना लूँगी। और बनाने के बाद अब जैसे कि मेरे ये एक थैली है, ऐसे दो जगह इसको बनाया है मैंने, और इसको खूब कड़क धूप में इसे डालेंगे ताकि अच्छी तरह धूप में सूख जाए। और फिर जब आधा दिन हो जाए या दो चार घंटे हो जाए, तो फिर हम पापड़ जब छूटने लगेगा इसको पलट के भी सुखा लेंगे। तो सुखाने के बाद अब ये देख सकते हैं कि ये मैंने दूसरी साइड पलट लिया है, और इसे मैंने थाल में रख दिया। अब इसी तरह मैं इसे भी सुखा लूँगी, और देख सकते हैं एक साइड का सूख चुका है और दूसरे साइड का गीला है। तो इधर से भी हम कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह सूख जाएगा। तो एक या दो दिन के धूप में ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। देख सकते हैं कि अब पापड़ ये हम लोग का बनके तैयार है। और एकदम आप चाहें तो किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे आसानी से रख सकते हैं, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगें।
और अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरह सूख चुका है और टूट भी रहा है। अगर ये गीला रहेगा तो फिर आप इसे तलेंगे तो फूलेगा नहीं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और गैस की फ्लेम को पहले हाई पे रख दिया है और हाई फ्लेम पे ही पापड़ डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, इसमें एक दो डाल के हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरह फूल रहे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ये फूल के एकदम ऊपर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा फूल रहा है। तो थोड़ी देर के बाद हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे, लो से मीडियम के बीच में, ताकि पापड़ जले ना। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा पापड़ बन के तैयार हुआ है। आप इसे चाय के साथ लें सुबह शाम, या बच्चे इसे बहुत अच्छी तरह मन से खाते हैं। आप एक बार मेरे स्टाइल में ट्राई करके देखें। और चावल बेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसे कुछ यूज में ला दें, तो बना के आप रख दें, आप महीनों भर खा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग के घरों में चावल रात के बच जाते हैं तो वो फेंक देते हैं उसको। तो आप इस तरह बना के रख दें और खाते रहें। आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी पसंद भी लोग करते हैं। तो इसी तरह मैंने पापड़ बना के रख दिया है। अगर आप चाहें तो ये पापड़ को तल के भी आप किसी डब्बे में या थैली में बांध के रख देंगे तो ये भी आप 2 से 4 दिन 10 दिन आप खा सकते हैं, इसका टेस्ट भी सेम रहता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।